आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसेट एसी के बारे में फाइनल कंप्लीट जानकारी, जैसे कि कैसेट एसी क्या होती है, कैसेट एसी कैसे कार्य करती है, कैसेट एसी में कौन से भाग लगे होते हैं, कैसेट एसी कितने बड़े कमरे को ठंडा करती है, मतलब कि कैसेट एसी से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताएं कैसेट एसी के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कैसेट एसी के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, जिसमें एक भाग का नाम होता है इनडोर यूनिट, इनडोर यूनिट के नाम से जानते हैं, और दूसरा भाग होता है आउटडोर यूनिट, यानी आउटडोर यानी कि वो भाग जो कमरे से बाहर प्रयोग किया जाता है उसे आउटडोर यूनिट के नाम से जानते हैं, और जो भाग कमरे के अंदर प्रयोग किया जाता है उसे इनडोर यूनिट के नाम से जानते हैं। अब कमरे के बाहर जो भाग प्रयोग किया जाता है ना, जैसे स्प्लिट होती थी हमारी, कि स्प्लिट एसी जो है वो जैसे कार्य करती है, सेम प्रक्रिया इसका भी है, कैसेट एसी का भी है, लेकिन डिफरेंस किस बात का है कि इसका जो इनडोर है, इसका इनडोर ऐसे चौकोर होता है, जबकि स्प्लिट एसी का इनडोर पतला और लंबा होता है, जो कि दीवार पे फिट किया जाता है। तो ये हमारी कैसेट एसी है, इसका प्रयोग छत के निचले सिरे में किया जाता है, यानी इसका जो इनडोर होता है वो छत के निचले सिरे में लगता है। आपने देखा होगा कि कैसेट एसी यानी कहीं पे अगर शॉपिंग मॉल में, वीमार्ट में, ऐसे कहीं पे अगर बड़े स्थान पे जब जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पे छत के निचले सिरे में एसी लगी होती है, जैसे कि क्या होता है कि जगह-जगह से हवा जो है नीचे आती रहती है। तो ये होती है हमारी कैसेट एसी, बस इसका इनडोर चौकोर होता है, बस इतना ही डिफरेंस है स्प्लिट एसी से। अब अगर इसके बारे में बात करें कि आउटडोर के अंतर्गत इसमें कौन कौन से भाग आते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे उसमें आउटडोर में क्या क्या आता है, ये आता है कंप्रेसर, उसके बाद है कंडेंसर, उसके बाद है फिल्टर, उसके बाद है कैपिलरी ट्यूब। ये मैकेनिकल भाग वाले, यानी कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब, इतने भाग आउटडोर में लगे होते हैं। उसके अलावा एवापोरेटर जो है वो इंडोर में लगा होता है। किसका कार्य क्या होता है वो बताते हैं। देखिए, कंप्रेसर, कंप्रेसर मोटर जब इसमें ऑन होता है, जब ये चालू होता है, तो कंप्रेसर का कार्य होता है कि गैस को सक्शन लाइन से खींचना और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर करना। कंप्रेसर के बारे में जानते हैं। कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर होता है जिसमें पावर की सप्लाई दिया जाता है, जिसमें वायरिंग किया जाता है, जिसमें तीन पिने होती हैं काम रनिंग स्टार्टिंग सप्लाई देने के लिए। तो कंप्रेसर का कार्य होता है कि गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, यानी यह गैस को सक्शन लाइन से खींचता है और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर करता है। जब डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलती है, उसके बाद जाती है कंडेंसर में। ये जो भाग है ना, इसका नाम होता है कंडेंसर, और ये हमारे कैसेट एसी में प्रयोग होने वाला कंडेंसर फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है, फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है, जिसका कार्य होता है कि रेफ्रिजरेंट को घुमा घुमा कर ठंडा करके वेपर से द्रव में यानी कि भाप को पानी बनाना। रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है ठंडा करने वाली गैस, यानी ठंडा करने वाली गैस को ये घुमा घुमा कर इतना घुमाता है कि घुमा घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में बदल देता है, यानी कि भाप को पानी बना देता है। उसके बाद गैस निकल के जाती है तो हमारा नेक्स्ट पार्ट मिलता है, जिसका नाम होता है फिल्टर, जिसका नाम होता है फिल्टर, और नाम से ही ये स्पष्ट है कि क्या करता है, फिल्टर करता है। फिल्टर करने का मतलब क्या हुआ, ये छानता है, शुद्ध करता है, और जब ये शुद्ध कर देता है उसके बाद गैस निकल करके जाती है, तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है, ये जिसको देखिए हमने मोड़ मोड़ के बनाया, जिसका नाम होता है कैपिलरी ट्यूब, जिसका नाम होता है कैपिलरी ट्यूब। इस ट्यूब का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, यानी गैस के प्रेशर को कंट्रोल करना, यानी गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में परिवर्तित करना यानी बदलना, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब का व्यास बहुत कम होता है, जिसके कारण यह प्रेशर को कंट्रोल करता है। और कैसेट एसी में प्रयोग होने वाली कैपिलरी ट्यूब की लंबाई जो होती है वो 30 से 36 इंच होती है, और जो इसका व्यास होता है वो 0.54 mm या 0.60 mm या 0.64 mm होता है। तो कैपिलरी ट्यूब की लंबाई 30 से 36 इंच होती है और इसका व्यास 0.54 mm, 0.60 mm या 0.64 mm होता है, ये कैपिलरी ट्यूब का। उसके बाद गैस निकल के जाती है, देखिए, इनडोर में, और इनडोर में लगा होता है एवापोरेटर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां से इन हुआ है ना, ये जो ग्रीन कलर में पाइपें दिखाई गई हैं, इसमें गैस का संचार होता है। तो ये है एवापोरेटर, इनडोर का भाग है, जिसका नाम होता है एवापोरेटर, एवापो
एवापोरेटर, एवापोरेटर का कार्य होता है ना, एवापोरेटर का कार्य होता है कि किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना। किसी वस्तु यानी कि किसी सामान या किसी स्थान यानी कि किसी जगह की गर्मी को अपनी तरफ खींचता है और वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देता है, जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। तो यहां पे लगा होता है ये इंडोर में एवापोरेटर, और उस एवापोरेटर जब ठंडा होता है ना, तो एवापोरेटर की कूलिंग को खींच करके ये ब्लोअर फैन कमरे में ठंडी हवा फेंकता है। एवापोरेटर की कूलिंग को खींच करके ब्लोअर फैन कमरे में ठंडी हवा फेंकता है, और फिर उसके बाद गैस आती है। इसमें अगर बात करें कौन सा एवापोरेटर प्रयोग किया जाता है, तो जो हमारे कैसेट एसी में एवापोरेटर प्रयोग किया जाता है उसका नाम होता है फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर। फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर इसमें लगा होता है, जिसका कार्य किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना होता है। उसके बाद गैस आती है फिर से सक्शन लाइन में, और वही गैस फिर से डिस्चार्ज लाइन से निकलती है और फिर कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी ट्यूब से होते हुए फिर इंडोर में जाती है, और इस प्रक्रिया पूरी होती है। कंप्रेसर देखिए, इसमें जो एसी में, इस एसी में जो कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है उसका नाम होता है रोटरी कंप्रेसर। जो कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है इसका नाम होता है रोटरी कंप्रेसर। इसके अलावा इसमें जो कंडेंसर प्रयोग किया जाता है उसका नाम होता है फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। उसके अलावा ये फिल्टर जो लगता है इसमें, इसका नाम होता है स्टेनर फिल्टर। स्टेनर फिल्टर जो कि कॉपर का बना होता है, जिसका कार्य रेफ्रिजरेंट को शुद्ध करना होता है। इसके अंदर सिलिकॉन की गोलियां भी भरी होती हैं जो नमी को अवशोषित करने का कार्य करती हैं, और इसमें जाली भी लगी होती है जो रेफ्रिजरेंट को छानकर शुद्ध करती है। उसके बाद हमारा कैपिलरी ट्यूब, तो कैसेट एसी में प्रयोग होने वाली कैपिलरी ट्यूब की लंबाई 30 से 36 इंच होती है, और जो इसका व्यास है 0.54 mm, 0.60 mm या फिर 0.64 mm होता है, यानी कि 0.54 mm, 0.60 mm या 0.64 mm इसका व्यास होता है। इसके बाद देखिए कैपिलरी के बाद गैस चली जाती है एवापोरेटर में, और इसमें जो लगने वाला एवापोरेटर है वो फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर होता है, जिसका कार्य होता है कि किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना, जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। और फिर से वही गैस आती है द्रव से वेपर में बदल करके, और फिर से आती है सक्शन लाइन में, और यह क्रिया बार बार होती रहती है। अब बात करें इसका जो कंप्रेसर मोटर है वो कितने पावर का होता है, तो जो एक जो हमारे कैसेट एसी में कंप्रेसर मोटर लगता है ना, वो होता है हमारा आधा एचपी से लेकर के 2 HP तक। देखिए ये जो कैसेट एसी है ना, ये कोई बहुत बड़ी एसी नहीं है, ये नॉर्मल एसी के ही अंतर्गत आ जाती है, यानी रूम एसी के अंतर्गत ही हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग अधिकतम बड़े स्थानों पर भी किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी तक भी होती है, तो आधा टन से लेकर के नॉर्मल अगर बात करें तो 2 टन तक का होता है ये, यानी आधा एचपी से 2 HP तक का इसमें कंप्रेसर मोटर प्रयोग किया जाता है नॉर्मल, और इससे बड़ा भी प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं कि ये आखिरी है। तो ये हमारे कैसेट एसी के बारे में रही कुछ जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।